लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कपिल शर्मा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वे कभी भी सुसाइड कर सकते हैं। यह कहना है कपिल की पूर्व मैनेजर और एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस का। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान यह चौंकाने वाला बयान दिया। गौरतलब है कपिल ने प्रीति, उनकी बहन नीति और एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के एडिटर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कपिल ने इसे लेकर कई ट्वीट्स भी किए थे। इसके बाद ही प्रीति का यह शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया है। प्रीति ने बातचीत में कपिल को समझदार बताते हुए कहा कि हो सकता है कि उनके फोन से ट्वीट उनकी गर्लफ्रेंड गिनी चतरथ ने लिए हों। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि कपिल ने ऐसा किया होगा। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गिनी या किसी और ने उनके फोन से यह हरकत कर दी हो। प्रीति की माने तो अगर गिनी ने कपिल के फोन से ट्वीट किए हैं, तो उन्हें उन पर और उनकी वॉइस पर तरस आता है। वे यह भी बोली कि उन्हें कपिल की ओर से कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है। प्रीति ने इस बातचीत में कहा कि कपिल की हालत पिछले कुछ महीनों से बेहद खराब चल रही है। उनके मन में अक्सर सुसाइड का ख्याल आता रहता है। प्रीति ने यह संदेह भी जताया है कि कपिल सिर्फ में डिप्रेशन नहीं है, बल्कि वे बाइपोलर या सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से भी ग्रस्त हैं। प्रीति के मुताबिक, जब वे कपिल की मैनेजर थीं, तब वे न केवल शो बल्कि उनकी लाइफ को भी मैनेज कर रही थीं।